अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरने न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद है इलाके किंडी में, जो कि मौसम विभाग ने पहली एडवाइजरी जारी की थी कि आने वाले दिनों में जो है बर्फबारी देखने को मिल सकती है, और वही कुछ जो है वो देखने को मिला है। अगर इलाके किंडी के हवाले से बात करें तो कल शाम से ही शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी भी जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। अगर रोड के हवाले से बात करें तो महकमे ने रोड मशीनरीज को काम पर लगाया गया है, रोड को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बहाल कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि इस वक्त की जो अपडेट हमारे पास मौसूल हुई है वो यह है कि बारामुल्ला बानीबाला तक जो रोड जाता है उसको जो है ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बहाल कर दिया गया है। वही अगर हम बात करें नेशनल हाईवे बारामुल्ला से गुलमर्ग तक जो चंदूसा की ओर होकर जाता है उस पर भी मशीनरीज को काम पर लगाया गया है, आने वाले कुछ घंटों में उसे भी बहाल कर दिया जाएगा। आपको बताता चलूँ कि कल शाम से ही जो है बिजली निज़ाम भी है वो जो बिजली निज़ाम है वो भी ठप होकर रह गया था। या नाजिन, आपको बताता चलो कि इस वक्त की जो अपडेट हमारे पास मौसूल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं विजुअल्स में भी, इस वक्त जो है शदीद बर्फबारी जो है वो हो रही है और रोड को जो है गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि आज जो भी सोमो हजरा ट्रैवल करेंगे उनको ज़रूरी है कि वो आज चैन पहनकर जो है गाड़ी ट्रैवल करें। चैन लगाना बहुत ज़रूरी है आज, क्योंकि फिसलन बन सकती है, कभी भी खतरा हो सकता है। इसलिए आपको यह भी बताता चलूँ कि इलाके कंडी में जो इस वक्त 1.5 फुट के करीब जो बर्फ़ है वो रिकॉर्ड की गई है। मलपुरा में 1.5 फीट बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है, श्री में 1 फीट बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है, चंदूसा में 1 फीट बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है, बानीबाला में 1.5 फीट बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। और गुलमर्ग के हवाले से अगर बात करें तो गुलमर्ग में जो है इस वक्त 3 फीट बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। आरएनए न्यूज़ की रिपोर्ट के साथ कंडी बारामुल्ला से मोहम्मद शफी।